हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका काजल की किचन पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी हम कैसे जानेंगे कि हम जो है प्रेग्नेंट हैं, मतलब कि हमको गर्भधारण जो है वो हो रखा है। किट में जानकर तो हर कोई पहचान सकता है कि हमको जो है प्रेगनेंसी हो रखी है। तो उससे पहले भी हमारा बॉडी जो है, हमारे शरीर जो है, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हमको वो चीज़ें, लक्षण हमारे बॉडी में आने लगते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो है गर्भधारण हो रखा है। और उस गर्भधारण के जो लक्षण है वो हम जानकर जो है अपनी प्रेगनेंसी को जो है हेल्दी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ताकि हमारा मिसकैरेज ना हो, अबॉर्शन ना हो। तो हम ऐसे कौन सी सावधानियां रख के जो है इनको जान सकते हैं, या फिर इनके लक्षण जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो आप कैसे जानोगे कि आपको जो है प्रेगनेंसी ठहरी हुई है। और इससे पहले मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक मेरा जल्द से जल्द आ सके। तो जैसे ही मैं प्रेगनेंसी की कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी से मिल जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटिव जो है मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैं आपको गाइड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा इसके अंदर मॉम्स सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि आपके पेट में दर्द होने लग जाता है। अब आप बोलोगे कि दर्द, आप पीरियड के दर्द को और जो आपने कंसीव कर लिया है उसको, दर्द को आप कैसे पहचानोगे? तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरा बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, मगर वो आपके बेनिफिट के लिए लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहली बार कंसीव करते हैं तो हमको ऐसा पता नहीं होता, और जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, भारी बाल्टी उठा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि हमारे पीरियड आ जाते हैं। तो हमें पीरियड आने से 15-20 दिन पहले ही ऐसी सावधानी बरतनी है बॉडी को देखते हुए कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें जो है मतलब कि गर्भधारण हो सकता है, तो हमें कुछ सावधानियाँ बरत लेनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जब हमारे पेट में जो दर्द होता है तो वो दर्द हम कैसे समझें कि ये पीरियड का है या फिर ये प्रेगनेंसी का है? तो मैं आपको बता दूं कि पीरियड जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है, जो आपने गर्भ धारण कर लिया है और उसके बाद जो आपके दर्द होगा, तो वो होगा औरत के नीचे वाले हिस्से में होता है। नीचे वाले हिस्से में मतलब कि नाभि के नीचे जो है आपका, वहाँ पे दर्द होता है, वो हल्के हल्के से क्रैम आते हैं, मतलब कि क्रैम मतलब कि थोड़े से दर्द आते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये दर्द जो है वो मेरे गर्भ धारण हो रखा है, इसलिए ये दर्द हो रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, जब वो ये दर्द जो है आपको पीरियड से पहले भी आते हैं, मगर ये दर्द जो है ना आपको पीरियड के, जैसे अगर आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, मतलब कि आने वाला है 20 तारीख को, तो आपको ये दर्द होगा 18 या 19 को। तो ये आप समझ लेना कि ये मेरा पीरियड का दर्द है। मगर इससे पहले जो दर्द हो, मैं आपको एक ओवुलेशन बताऊंगी कि अगर आपको जो है उस डेट पे दर्द हो रहा है, तो आपने जो है आपने कंसीव किया हुआ है, तो आप उसको समझ सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी मैं अपने नोट करके रखी हुई है यहाँ पे, कि जिनकी जो है आप नोट भी कर लेना, मैं आपको साइट में उसका चार्ट भी दे दूंगी, कि जिनकी जो है 28 दिन की साइकिल है, तो उनको जो है दर्द जो है, जो आपने गर्भ धारण कर रखा है, तो उसका जो दर्द होगा नीचे पेट के निचले हिस्से में, तो वो होगा 20 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में, तो आपको ये दर्द होगा। जिनकी जो 28 दिन की साइकिल होती है, तो उनको जो है ना वो 20वें से लेके 26 दिन के अंदर जो है आपको दर्द महसूस होगा। और जिनकी 30 दिन की जो साइकिल है, तो उनको वो दर्द होगा 22 से लेके 28 दिन के बीच में वो दर्द होगा। तो आप इन दर्द को समझ के जो है आप पता लगा सकते हो। और जिनकी साइकिल 32 दिन की है, तो उनको ये दर्द होगा 24 से लेके 30 दिन के बीच में ये आपको दर्द महसूस होगा। तो मैंने बता दिया है कि आपको कैसे पहचान लेना है कि ये हमारा प्रेगनेंसी का दर्द है या फिर हमारा डेट का दर्द है, कि डेट आने वाली है, तो ये आप पता लगा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमारे से महिला से जो है अंडा रिलीज हो जाता है, और जब वो शुक्राणु से जेंस के वीर्य से मिलता है, फिर जब वो इम्प्लांटेशन में से जाता है, जब हमारी यूट्रस में से मतलब कि बच्चेदानी में जाता है, और जब वो चिपकता है बच्चेदानी में जा करके, तो वहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है मेरा ब्लीडिंग का। तो आपको जो है हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी टाइम मतलब पीरियड से पहले आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक दो स्पॉट्स भी आ सकते हैं, तो उसको जो है डॉक्टर यूँ बोलते हैं कि इनको जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आई है। तो उनका मतलब होता है कि उनको पता होता है कि बच्चा जो है जाकर के आपके गर्भाशय में चिपका है, जिसके कारण जो है
इतना दिन जो वो सर्वाइव करके चलता है, अपनी लाइफ करके चलता है, अंदर जब जाता है बच्चेदानी में ठहरने के लिए, तो थोड़ा सा आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको 2-3 स्पॉट आ जाए तो आपको घबराना ये नहीं है कि हमको ब्लीडिंग हो जानी है। थोड़ी सी मैं आपको बात बताना भूल गई हूँ, सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। तो जब आपका पीरियड्स का दर्द होता है या फिर जब आपने गर्भ धारण कर लिया है तो आपको दर्द हो रहा है, तो आपको उसके अंदर जो है, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है कि जो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो क्या करती है कि पेन किलर की दवाई खाने लग जाती है। तो आपको वो दवाइयाँ नहीं खानी है, क्या पता आपने जो है बच्चा कंसीव कर रखा है। तो आपको क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता ना कि हमने कंसीव कर रखा है, तो कोई कोई महिलाएं जो है ना उस दर्द को सहन नहीं पाती, जिससे कि बहुत सारी पेन किलर्स आती हैं तो वो उनका इनटेक कर लेती हैं। और जब वो पेन किलर की दवाई खा लेती हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपका मिसकैरेज हो जाता है और आपकी डेट जो है, क्योंकि दवाइयाँ कोई भी जो है ठंडी नहीं होती, सारी दवाइयाँ जो है गर्म होती है, और गर्म चीज़ खाने से जो है हमको ब्लीडिंग हो जाती है। तो आपको जो है, जब आपको आपने कंसीव करने का आप सोच रहे हो और आपने प्लानिंग कर रखी है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपकी 1 तारीख को डेट गई है, तो उसके बाद जो है आपको 16वें दिन से के अंदर, जब आपका 15वां 16वां दिन चल रहा है और उसके बाद जो 15 दिन है, आपको कोई भी मेडिसिन का इनटेक नहीं करना है, कुछ भी गर्म चीज़ ऐसे नहीं खाने जिससे आपका मिसकैरेज हो जाए या कोई दिक्कत आपको हो जाए। तो पहले मैंने बताया है आपके पेट में ऐसा दर्द होता है, और दूसरा मैंने बताया कि आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है थोड़ी बहुत, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारे ब्रेस्ट में जो है वो दर्द होने लग जाता है। तो वो ब्रेस्ट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा जो है पानी का इंटेक करने लग जाती है। सॉरी, जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमारे ब्रेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, हमारी ब्रेस्ट जो है वो भारी होने लग जाती है। वो भारी इसलिए होने लग जाती है, और कोई भी हमारा टच हो जाता है, कहीं से बच्चे का हाथ लग जाता है, कहीं पर हमारा ही खुद टच हो जाता है कुछ चीज़, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो दर्द इतना किसी को हो भी सकता है और किसी को नहीं हो सकता, बट मोस्टली मोस्ट पॉपुलर जो औरतें होती हैं उनको हो ही जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जब हमने कंसीव किया होता है, तो कंसीव करते ही जो है ना बच्चे के लिए जो है मिल्क बनना जो है हमारे स्तनों में जो है मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चे की फीडिंग के लिए, तो उस कारण भी हमको जो है ना दूध बनने लग जाता है हमारे चेस्ट में। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि आपने जो है गर्भ धारण कर रखा है। और जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है, आपको बार बार आपको यूरिन जाना पड़ सकता है। अगर आपको बार बार वॉशरूम आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि बार बार हमें वॉशरूम आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो इसलिए होता है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, क्योंकि जब हमारा बच्चा जो है हमारे गर्भाशय में जाके चिपकता है, तो उससे क्या होती है, जो हमारी किडनी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे खून को जो है फिल्टर करने लग जाती है, क्योंकि बच्चे को जो है खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको पता ही है, खून से जो है हमारा बच्चा बनता है। जब हमारे 9 महीने की ब्लीडिंग रुक जाती है, उसके बाद जो है बच्चा बनता है, तो हमारी किडनी जो है बहुत ज़्यादा फिल्टर करने लग जाती है खून को, और उस खून को जब फिल्टर करती है तो हमें बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ सकता है। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी, बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगी, बहुत ज़्यादा रात भर सोने के बाद भी सुबह जो है आपको नींद आएगी। तो आपको समझ जाना है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए जो है हर चीज़ न्यूट्रिशन देना होता है उन चीज़ को, तो हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि आपने जो है कंसीव कर रखा है। तो कंसीव करने के ऐसे बहुत से आपको लक्षण पता लग जाएंगे अपने शरीर में, अपने बॉडी में, अगर आप ध्यान दोगे कि हाँ भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो हमने कंसीव कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो आपको जो है पूरी अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से हेल्दी रखनी है, जो आप रख सकते हो अपने आप ही। तो फिर उसके बाद है, आपको जो है कैसे पता लगेगा कि आपको जो है स्वाद के अंदर चेंज हो जाएगा आपके, आपको क्या लगेगा, जो आपको पहले खाना अच्छा लगता था वो अब खाना अच्छा नहीं लगता है, और जो पहले अच्छा लगता था वो अब नहीं लगता है, जो अब अच्छा लगता है वो पहले नहीं लगता होगा। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपके जीभ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आपके जो है ना सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। आपने देखा होगा स्मेल, बहुत सी आपकी मम्मी होंगी, आंटी होंगी, भाभी होंगी, बहनें होंगी, वो उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपको जो है किचन में जाते ही जो है जब आप सब्जी छोकते हो या फिर आटा गूंथते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है कि वो किचन में भी नहीं घुस पाती है, जिसके कारण उसको वोमिटिंग आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया हुआ, आपने बच्चे को जो है कंसीव किया हुआ है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है कि आपको सुबह के टाइम पे थोड़ी सी उकाइयाँ आना, ये हर एक महिला के उसमें नहीं होता, हर एक महिला के उसमें
बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, अलग अलग बॉडी होती है तो वो अलग अलग रिएक्शन करती है। तो किसी को तो प्रेगनेंसी किट में जब हम जान लेते हैं उसके बाद ही पता लगती है, और किसी को जो है पहले से जो है ऐसे कुछ लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं जिससे आप जान सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी ठहरी हुई है नहीं ठहरी हुई है, जिसके कारण जो है आप अच्छे से अपनी केयर कर सकते हो। और आपको एक और बात इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बच्चे की, तो आपको क्या करना है कि जब आपका पीरियड आने वाला है उससे एक हफ्ते पहले जो है रिलेशन बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जाने में ठहरता जाके और जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उससे क्या होता है हमारा मिसकैरेज और पीरियड आना संभव हो जाता है। तो इसको ऐसा नहीं करना है आपको, और कुछ एक हफ्ते पहले जो है गर्म चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आपको नहीं लेनी है, बाल्टी वगैरह उठाना आपने थोड़ा सा बंद कर देना एक हफ्ते पहले, ताकि आपकी जो बच्चा आपने कंसीव किया है आपको नहीं पता है तो वो आगे जाके आपको अच्छे से प्रेगनेंसी अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हो, प्रेगनेंसी की जर्नी को अच्छे से आप हैंडल कर सको। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके सब्सक्राइब मेरा बटन जरूर करना।